नमस्कार मित्तल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हैं सी वी रमन हॉस्टल में और यहाँ हमारे कुछ दोस्त हैं और आज दशहरा भी है। सबसे पहले तो आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम सबों ने मिलकर रावण का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है, जिसे पुतला दहन करने का जो कार्यक्रम करेंगे वो हमारे आदर्श जी हैं, युवा छात्र नेता आदर्श जी। और देखिए इधर तैयारी चल रही है पुतला बनाने का। इधर हमारे राहुल भाई और ये पुतला का मॉडल तैयार हो रहा है, इसको पुतला बनाया जाएगा। हमारे आदर्श भाई भी गए हुए हैं कुछ सामान लाने। चूँकि राधे जी पुतला दहन के कार्यों में अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, तो ब्लॉगिंग का कार्य मैंने स्वयं अपने आप को जिम्मेदार घोषित करते हुए ब्लॉगिंग कार्य करने का काम किया है। और मैं आप सबों को इस ब्लॉगिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से होने वाली गतिविधियों को सी वी रमन छात्रावास के प्रांगण में आप सबों को रूबरू कराऊंगा। तब तक आप सब हमारी प्रतीक्षा करें और आगामी कार्यक्रम को लाभ हेतु वीडियो को देखने के लिए बनाए रखें। तो ये रावण का पुतला जहाँ दहन में है, आप लोगों ने ये सोच समझ कर फैसला लिया है कि माइक्रो का सदुपयोग रावण को जलाने में किया जाए, क्योंकि माइक्रो भी एक प्रकार का गलत लत है। और ये विजयदशमी का पर्व हम सबों को सत्य का जीत शिक्षा देने वाले ये पावन पर्व विजयदशमी के शुभ अवसर पर, जो आप लोगों ने जो ठाना है असत्य की हार और सत्य की जीत हो, उसके लिए आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आने वाले भविष्य में आप सभी बंधुगण सत्य के ही पक्षधर लीजिएगा। क्या हम सत्य हैं राधे जी? हमारी बातों को आपने सुना और क्या हो? जी जी बिल्कुल, असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की जीत। रावण को उठाया जा रहा है और इसे सेट किया जाएगा। हमारे आदर्श नेता जी सहयोग कर रहे हैं रावण को सही जगह पर सेट करने के लिए। बस इधर हमारे बीनू भाई हैं, प्रणव भाई हैं, राहुल भाई हैं और अमित शाह। रावण इज रेडी फॉर और अभी रावण का दहन का जो कार्यक्रम है, रावण का जो दहन करेंगे वो हमारे आदर्श नेताजी करेंगे। और नेताजी अभी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब लोग जुड़ जाएं, सभी लोग जुड़ जाएंगे। जुड़ने का वेट किया जा रहा है, यहाँ पे बहुत जल्द होने वाले जा रहे हैं। ये देखिए हमारे कैमरा प्रसारण विभाग लाइव प्रसारण हो रहा है इधर, और ये हमारा विनीत कार्यकर्ता। लगभग टाइम हो चुका है, तो अब अग्निदाह किया जाएगा, रावण को मुखाग्नि दिया जाएगा। हमारे आदर्श जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और सभी हमारे साथी जूनियर सीनियर सभी जुड़ चुके हैं। रावण का दहन होगा, लाइट नहीं है, पूरे हॉस्टल अंधेरा है, नहीं तो आप लोगों को हॉस्टल भी दिखा पाता मैं। तो अब लाइव कार्यक्रम होगा। सर आपका स्टोरेज खत्म हो गया, सर आपका स्टोरेज खत्म हो गया सर, चलेगा चलेगा।
हट जाओ, दूर दूरी बना। रावण दहन होना स्टार्ट हो चुका है। रावण दहन का कार्यक्रम हो चुका है और रावण दहन हो भी चुका है। ए, सभी माइक्रो उठा करके दीजिए उसे, सभी माइक्रो उठा। बुराई पे अच्छाई की जीत, और इसीलिए हम लोग रावण दहन का हर वर्ष आयोजन करते हैं। और ये सी वी रमन हॉस्टल में पहली बार था और शायद 17 बैच का आखिरी बार है। अरे बॉम जल गया रे, बॉम जल गया रे। अरे ये है टेक्नोलॉजी, बॉम सटना नहीं है, सटना नहीं है। ये है टेक्नोलॉजी। तो रावण का दहन हो चुका है, आप सब प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।